गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारे सामने खड़ा हुआ है आपका सुजुकी का बर्गमैन स्ट्रीट। और ये जो आपका बेस वेरिएंट है, देख सकते हैं यहाँ पे साइड में आके, तो ना तो इस पर राइड कनेक्ट एडिशन लिखा हुआ है, ना इस पर EX लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं जो टॉप मॉडल होता है उसके अंदर यहाँ पे आपको जो है EX लिखा हुआ देखने को मिलेगा इस तरीके से, और राइड कनेक्ट एडिशन भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यानी कि ये जो है टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल में आपके बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, वो सब हम बाद में बात करेंगे। अभी हमारे सामने जो खड़ा हुआ है, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। मरून कलर हमारे सामने खड़ा हुआ है, आज हम जो है इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। ये जो आपका 2024 का लेटेस्ट मॉडल हमारे सामने खड़ा हुआ है, इसके अंदर आपको E20 फ्यूल का सपोर्ट देखने को मिलेगा, और जितने भी अभी अपडेट्स हुए वो सारी चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अभी मैं आया हूं आपका एस कुटले सुजुकी पे, स्पेशल थैंक्स टू देम, इन्होंने मेरे को ये स्कूटर प्रोवाइड करा। अब मैं बात करता हूं इसके आगे के लुक्स की तरफ। तो यहां पे आपको मिलेगी इतनी बड़ी यहां पे विंडशील्ड, मैक्सी स्कूटर का यहां पे आपको लुक देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर आपको जो है यहां पे बड़ी सी विंडशील्ड देखने को मिलेगी, यहां पे आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश में ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा, मैरून के साथ ग्लॉस ब्लैक का ट्रीटमेंट बहुत ही प्यारा लग रहा है। अगर मैं इसकी लाइट्स की बात करूं तो ऊपर की तरफ आपको DRL देखने को मिलेगी, बीच में आपका जो है मेन लाइट का सेटअप देखने को मिलेगा, दोनों तरफ आपको जो है इस तरीके से नीचे की तरफ यहाँ पे हेलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। ये देखिए कितने ही प्यारे लुक्स लग रहे हैं आपको इस स्कूटर के। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको फाइबर का मडगार्ड देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको दोनों तरफ रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलेंगे, टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन देखने को मिलेगा, स्टार टाइप यहाँ पे आपको अलॉय देखने को मिलेगा, डिस्क ब्रेक्स आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं इसके टायर साइज की बात करूँ तो 90x12 का यहाँ पे आपको टायर देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसकी साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे आपकी साइड प्रोफाइल रहने वाली है। अगर मैं इसके इंजन की बात करूँ तो 124cc का सिंगल सिलेंडर इंजन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि आपका फैन कूल्ड रहने वाला है। 8.5 PS की पावर और 10 Nm का टॉर्क आपको यहाँ पे इस स्कूटर में देखने को मिल जाता है। अगर इसके माइलेज की बात करी जाए तो 58.5 km/L का यहाँ पे आपको माइलेज देखने को मिलेगा। अगर मैं इसकी टॉप स्पीड की बात करूँ तो 90 से लेके 100 km/h की यहाँ पे आपकी टॉप स्पीड देखने को मिलेगी। अगर मैं इसके सैडल हाइट की बात करूँ तो इसकी जो सैडल हाइट रहेगी वो रहेगी आपकी 780 mm। वहीं अगर मैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 160 mm की यहाँ पे आपको जो है ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। अगर इसके स्कूटर की वेट की बात करी जाए तो 110 kg जो है आपको इसका स्कूटर का वेट देखने को मिलेगा। साइड स्टैंड मेन स्टैंड आपको यहाँ पे दोनों ही देखने को मिलेंगे। साइड स्टैंड में आपका किल स्विच वाला फीचर भी देखने को मिलेगा, मेन स्टैंड आपको ऑफर किया गया है, किक स्टार्ट का फीचर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अच्छा खासा स्पेस आपको यहाँ ऑफर किया गया है, यहाँ पे आपको एक हुक मिलेगा सीट के नीचे, एक हुक आपको यहाँ पे हैंडल बार के पास, और एक यहाँ पे आपको स्पेस मिलेगा सामान रखने के लिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद बात करी जाए तो ग्लॉस ब्लैक का ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, बर्गमैन स्ट्रीट आपको सिल्वर से देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ इसके ग्रैब हैंडल की तो ग्लॉस ब्लैक फिनिश में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे सीट पे तो सीट पे भी आपको मरून कलर की या रेड कलर की स्टिचिंग देखने को मिल जाएगी। रियर टायर हगर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, सोलो यहाँ पे आपको मोनो शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिलेगा, एडजस्टेबल नहीं रहने वाला है। पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलेंगी। पीछे के लुक्स की बात करें तो कुछ इस तरीके के यहाँ पे आपको पीछे के लुक्स देखने को मिलेंगे। पीछे आपकी टेल लाइट जो है आपकी LED की रहने वाली है, और हेलोजन इंडिकेटर्स आपको देखने को मिलेंगे। एक नंबर प्लेट के लिए इल्यूमिनेशन आपको अलग से देखने को मिलेगा, रिफ्लेक्टर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर बात करें इसके साइलेंसर की तो बहुत ही बड़ा मैसिव आपको यहाँ पे एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको जो है ग्लॉस ब्लैक से कवर टाइप का भी देखने को मिल जाता है। ग्लॉस ब्लैक यहाँ पे आपको अलॉयज देखने को मिलेंगे। इसके अंदर आपको दो कलर टोन ही देखने को मिलते हैं, एक आपका मरून, दूसरा आपका ग्लॉस ब्लैक, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसमें जो है कॉम्बिनेशन रखा गया दोनों ही चीज़ों का। अगर मैं बात करूँ पिलियन के लिए फुटपैक का तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको फुटपैक देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छी क्वालिटी का फुटपैक आपको ऑफर किया गया है। पॉकेट की बात करें, एक पॉकेट यहाँ पे मिलेगी बॉटल होल्डर टाइप का, और एक यहाँ पे आपको फ़ोन के लिए स्पेस मिलेगा। इसके अंदर आपका जो है चार्जिंग सॉकेट है कि हाँ जी, इसके अंदर आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलेगा, कुछ बढ़िया सा, ठीक है। बहुत कम स्कूटर्स में ये सब देखने को मिलता है, इसमें से एक आपका बर्गमैन स्ट्रीट भी है। उसका चाबी की बात करें तो वही आपकी टिपिकल सुजुकी की चाबी देखने को मिलेगी। सीट खोलने के लिए आपको यहाँ से इसको ऐसा करना है, खट की आवाज़ आपको आ गई होगी, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्पेस आपको देखने को मिलेगा। फ्यूल टैंक के साइज़ की बात करें, सबसे पहले देख सकते हैं E20 फ्यूल का स्टिकर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर मैं इसके फ्यूल टैंक के साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पे मिलता है आपको 5.5 लीटर का फ्यूल टैंक आपको यहाँ देखने को मिलता है, 5.5 लीटर का यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। दोनों तरफ आपको 12 इंच देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको ब्रेक के कंट्रोल्स रहने वाले हैं, आगे के डिस्क के कंट्रोल्स। उसके बाद यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो देखने को मिलेगा, थोड़ा सा मिट्टी को जो है आप इग्नोर करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके हाई बीम लो बीम के स्विच रहने वाला है, इंडिकेटर का स्विच रहने वाला है। अगर मैं इसके हॉर्न की बात करूँ, सिंगल टोन हॉर्न आपको यहाँ ऑफर किया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंगल टच स्टार्ट का फीचर देखने को मिलेगा किल स्विच के साथ। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके डिस्प्ले की, बेस वेरिएंट है तो इसके अंदर आपको जो है डिजिटल आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर तो मिलेगा, लेकिन इसके अंदर आपको राइड कनेक्ट वाले फीचर्स नहीं मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिजिटल स्पीड देखने को मिलेगी, डिजिटल फ्यूल मीटर देखने को मिलेगा, यहाँ पे ओडोमीटर देखने को मिलेगा, टाइम मिलेगा। उसके बाद अगर इसको एडजस्ट करना है तो एक बटन आपको यहाँ मिल रहा है, तो देख सकते हैं
एक यहाँ पे बटन मिलेगा, तो ट्रिप ए ट्रिप बी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। बैटरी वोल्टेज आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद अगर बात करी जाए इसमें वार्निंग्स की, तो इंडिकेटर की वार्निंग, यहाँ पे आपकी माल फंक्शन की लाइट, यहाँ पे इंजन की लाइट, उसके बाद यहाँ पे आपको हाई बीम की लाइट भी देखने को मिलेगी। अब एक बार मैं स्कूटर को ऑन करता हूँ, मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुना देता हूँ लगे हाथ। ये देखिए सिंगल टच स्टार्ट है, ठीक है, ये स्टार्ट हो गया। कुछ इस तरीके की आपको आवाज़ देखने को मिलती है, और पीछे के टायर में आपको जो है सेंसर, स्पीड सेंसर भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। 14.3 तक वोल्टेज चला गया, यानी कि इसके अंदर जो वोल्टेज मीटर है वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ORVM की, तो कुछ इस तरीके के ORVMs आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर फिनिश टाइप का ट्रीटमेंट देखने को मिल जा रहा है। नंबर प्लेट की प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट की प्लेसमेंट हो जाएगी, ठीक है। कुछ इस तरीके के इसके ओवरऑल लुक और इसकी ओवरऑल बात हो जाती है। एक बार इसके पूरे लुक चेकआउट करिए, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। नीचे की तरफ भी आपको जो है मरून का ही ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा, मरून ब्लैक ग्लॉस ब्लैक, इस तरीके से पूरा ही ट्रीटमेंट रखा गया है इस स्कूटी के अराउंड। कितना ही प्यारा मैक्सी स्कूटर लग रहा है बर्गमैन स्ट्रीट, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, प्राइसिंग क्या रहने वाली है। अगर मैं इसकी एक्स शोरूम कॉस्ट की बात करूँ, तो एक्स शोरूम कॉस्ट करता है आपका 95,000 का, मोटा मोटी ये जो आपका 96,000 तक का जाता है, 95,000 670 रुपये का है, तो इसे मोटा मोटी हम 96,000 कह लेते हैं। तो ये महाराष्ट्र में आपका कॉस्ट करता है 96,000 रुपये का, ठीक है। वहीं अगर मैं इसकी ऑन रोड कॉस्ट की बात करूँ, तो ये कॉस्ट करेगा आपको ऑन रोड मुंबई, ऑन रोड महाराष्ट्र पुणे में, और अभी मैं आपका ए स्कूटर सुजुकी पे वाघोली में पुणे में, तो यहाँ पे ऑन रोड कॉस्ट कर रहा है आपका 1,17,000 रुपये का, 1,17,000 रुपीज़ जो है इसकी ऑन रोड कॉस्ट है महाराष्ट्र में पुणे में। तो कैसा लगा स्कूटर, कैसी लगी वीडियो, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई बाइक स्कूटी या गाड़ी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।